नूडल्स बनाने के लिए हम लिए हैं चिंग्स का हक्का नूडल्स, हम लिए हैं ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस और सोया सॉस, और हम लिए हैं हक्का नूडल्स मसाला। वेजिटेबल्स में लिए हैं हम पत्ता गोभी एक कटोरी, एक कटोरी प्याज बारीक कटा हुआ, और एक कटोरी हम स्लाइस में ले लिए हैं गाजर, एक कटोरी शिमला मिर्च, और हम लिए हैं अदरक मिर्चा लहसुन बारीक कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं और तेल ले लिए हैं, और हम लिए हैं मोरटन का विनेगर। पहले हम नूडल्स को खाली कर लेते हैं। देखिए ये चिंग्स का नूडल्स है। तो ऑन कर ले हम, कढ़ाई को गर्म कर ले। इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी, पानी देखिए गर्म हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और जरा सा नमक डालेंगे इसमें हम। इसमें हम डालेंगे नूडल्स। देखिए नूडल्स मेरा बॉयल हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल कर इसमें हम पानी डालकर ठंडा करेंगे। देखिए हम अपने नूडल्स को ठंडे पानी में एक जाली वाले बर्तन में ऐसे धुल लिया है। अब हम इसको इसी बर्तन में रख लेंगे। गैस को हम ऑन करते हैं, कढ़ाई को हम गर्म करते हैं। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, बड़ा वाली चम्मच से। देखिए अदरक मिर्चा का जो बारीक कटा हुआ था इसमें हम डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, गाजर, डालेंगे मिर्च। देखिए ये मसाले को भी हम डालेंगे। इसमें नमक पड़ा है, हम अपने हिसाब से और थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। अब इसमें हम पत्ता गोभी भी डाल देंगे। सारे सब्जी हम डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे चिंग्स का हक्का नूडल्स मसाला। जरा सा पानी इसमें डालेंगे। आधा चम्मच हम डालेंगे विनेगर। देखिए आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। आधा चम्मच डालेंगे हम रेड चिल्ली सॉस। देखिए चिंग्स का है रेड चिल्ली सॉस। देखिए हम ग्रीन चिल्ली सॉस डालेंगे बड़ा चम्मच से 1 चम्मच। एक छोटा चम्मच डालेंगे हम सोया सॉस। अब हम अपने नूडल्स को इसी में डाल देंगे। देखिए हमारे नूडल्स बनकर तैयार हो गया। इसको हम सर्व कर दें। देखिए मेरा चिंग्स का हक्का नूडल्स बनकर तैयार हो गया।